राजधानी राजधानी। ऐसा है कि अपोजिशन लीडर जो कानून है महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 19-1, उसके हिसाब से अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका पार्टी लीडर गठनेता ही अपोजिशन लीडर रह सकता है। हमने अपोजिशन लीडर जनवरी में जब महापौर साहिबा ने अपोजिशन लीडर हमारी पार्टी के एक रुकन को डिक्लेयर किया तो उसी वक्त हमने ऑब्जेक्शन लिया था कि पार्टी लीडर और पार्टी का ये डिसीजन नहीं है, मगर उस वक्त हमारी वो बात नहीं सुनी गई। उसके बाद लॉकडाउन और दूसरे सब मामला आने की वजह से हम भी उस मामले में नहीं पड़े थे और ये चाह रहे कि शहर अभी मुसीबत में ये सब हालात हो जाए उसके बाद उस मामले में बातचीत करेंगे। अभी जो है हमने महापौर साहिबा को भी, आयुक्त साहब को भी, नगर सचिव को भी और कल डिविजनल कमिश्नर को भी हमने 13 संदर्भ लगाकर के गठनेता का सवाल तो पहले भी नहीं था हमारे हिसाब से और अभी भी नहीं है, मगर कॉरपोरेशन ने अभी पीछे एक लेटर दे के डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने अभी क्लियर कर दिया। इससे पहले भी वो मामला क्लियर ही था, तो इसलिए अब हमारा दावा ये है कि अपोजिशन लीडर जो है वो महागठबंधन आघाड़ी की गठनेता को दिया जाए, महानगर पालिका महागठबंधन आघाड़ी के अध्यक्ष मुफ्ती इस्माइल कासमी शाहनहीन गठनेता और इस तरह 23 कारपोरेटर की साइन से हमने एक लेटर दिया है कि यही मेजॉरिटी है। और अगर पार्टी के खिलाफ कोई मेंबर महागठबंधन आघाड़ी का जाता है तो हमने उसमें वो भी लिखा है कि उसके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन की कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। और प्रशासन जो भी सुविधा अभी अपोजिशन लीडर के नाम से दे रही है वो कानूनी तौर पे गलत है और ये कॉरपोरेशन का आर्थिक नुकसान है जो बेकायदेसर यानी अपोजिशन लीडर को दे रही है, तो उसको बंद किया जाए और फौरी तौर पर महागठबंधन आघाड़ी की पार्टी लीडर को अपोजिशन लीडर बनाया जाए।